गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ योर होस्ट ब्लॉगर इन द सिटी। और गाइस हम लोग 1 सितंबर जिस दिन इनॉग्रेशन था चाय सुट्टा बार का, उस दिन भी गए थे, बट उस दिन उतना प्रॉपर व्लॉग नहीं कर पाए थे, बहुत ज़्यादा नॉइस था और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि फ्री का कॉफ़ी और चाय मिल रहा था। तो हम लोग आज जा रहे हैं फिर से चाय सुट्टा बार शाम में, तो जाते हैं देखते हैं मेन्यू वहाँ का क्या क्या वहाँ अवेलेबल है और कैसा टेस्ट है, सब कुछ रिव्यू करके आपको बताते हैं। तो चलते हैं। तो गाइस ये चाय सुट्टा बार में लाइन लगा हुआ है, आज इनॉग्रेशन है चाय सुट्टा बार का, यहाँ पे पूरा इवेंट चल रहा है और यहाँ चाय सुट्टा बार और यहाँ पे एक्चुअली चाय वाय मिल रहा है आज, तो चाय फ्री में शायद मिल रहा है, चाय और कुछ एक और चीज़ फ्री में मिल रहा है, बट पता नहीं क्या क्या है, भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आज तो अंदर जाना लग रहा है इम्पॉसिबल है, थोड़ा देर वेट करते हैं लाइन में लग के, अगर पॉसिबल हुआ तो लेंगे, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। गाइस बस हम लोग चाय सुट्टा बार से अब जा रहे हैं और वो एक्चुअली आज इनॉग्रेशन का तो कुछ अंदर दिखा, मतलब अंदर का थोड़ा रील के लिए ले लिए हैं और अंदर का कुछ मतलब ऑर्डर कर नहीं सकते थे, इनॉग्रेशन था, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लाइन था, तो मुझे तो कोल्ड कॉफ़ी मिल गया और कल या परसों होता है तो आते हैं एक प्रॉपर ब्लॉग करने के लिए। और मैं पूर्णिया वाले चाय सुट्टा बार पे तो गया, बहुत अच्छा है यहाँ का, देखते हैं यहाँ का टेस्ट, मुझे कोल्ड कॉफ़ी का तो अच्छा लगा। हाँ बस जाते हैं हम लोग। और गाइस हम लोग आ चुके हैं चाय सुट्टा बार और यहाँ पे सुफियान भी लेकर बैठा हुआ है इधर। गाइस सामने में मेहताब, शरीउल्ला और शहनवाज आए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ चाय सुट्टा बार आ चुके हैं, ये रहा मेन्यू और इसी में से कुछ ऑर्डर करने वाले हैं अभी। अब भीड़ बहुत ज़्यादा है गाइस, डेली जब भी हम लोग आ रहे थे तो देख रहे थे भीड़ बहुत ज़्यादा। क्या ऑर्डर करना है शरीउल्ला? शरीउल्ला चाय पियोगे ना? चाय तुम पिएगा? सर तुम तो नहीं पिएगा। तो गाइस हम लोग पहले चाय कर रहे हैं इसमें से, यहाँ पे दिखाई मिनट, ये सब चाय का फ्लेवर्स है तो ये सब इसमें से कुछ कर रहे हैं और हॉट कॉफ़ी या स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी देखते हैं, ये सब इनमें से कुछ ट्राई करते हैं। और सैंडविच सुने यहाँ का उतना खास नहीं है बट स्टिल आई विल ट्राई, तो सेव अनियन सैंडविच अच्छा है, जो जितना व्लॉग देखे हैं सब बोल रहे हैं नहीं है, खाया तब देखते हैं। सेव अनियन सैंडविच ट्राई करते हैं और मस्का बन ट्राई करेंगे और शेक्स वेक्स ट्राई नहीं करेंगे, ये सब कभी और के लिए। तब सुफियान सुनो क्या क्या ऑर्डर करना है। 5 अदरक वाली चाय, ठीक है, एक अनियन सैंडविच, सेव अनियन सैंडविच, एक कॉर्न मसाला सैंडविच और एक मस्का बन, समझ गए? वेटर लेके आओ, वेटर अच्छे से करना। तो गाइस हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया, अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया और यहाँ का स्पेशलिटी है शायद मस्का बन, अभी मेरी बात हो रही थी तो अभी सुफियान के ऑर्डर करने, और कॉपीराइटेड सॉन्ग बज रहा है तो उतना कुछ बोल नहीं पाए। कैसा लगा, सीरियसली बताओ कैसा लगा अभी आके, कैसा लगा इंटीरियर्स देख के, जो चाय सुट्टा बार का एक नाम है उसमें कैसा लगा? देखिए गाइस माशाल्लाह हमारा वेटर बड़ा हो गया है, ओ एक और वेटर आ गया हमारा, ओह वेटर नंबर 2। ये हमारा मस्का बन और ये हमारा दूसरा सैंडविच, ये है सेव अनियन सैंडविच, तो ये वाला ट्राई करते हैं। वो वाला सैंडविच मुझे उतना खास कुछ नहीं लगा और रेटिंग करते हैं थोड़ा देर में। और तुम लोगों को कैसा लगा, तुमको कैसा लगा? अच्छा लगा। तुमको कैसा लगा, तुमको कैसा लगा? सही नहीं लगा, तुमको कैसा लगा? ये हमारी अदरक फ्लेवर चाय चलेगा, ये हमारी अदरक फ्लेवर चाय और हम लोग चाय सुट्टा बाहर में अभी बैठे हैं, हम लोग सब कुछ खाएं और सबका आपको पूरा डिटेल बाहर में बताते हैं, यहाँ पे बहुत साउंड है और कॉपीराइटेड ये है तो बाद में बताते हैं। तो गाइज़ हम लोग अपना चाय सुट्टा बार में खा पी के आ चुके हैं बाहर और चाय बहुत ही टेस्टी थी, चाय में कोई शक नहीं है, चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और फर्स्ट वाला जो सैंडविच हम लोग का था वो कॉर्न सैंडविच जो था वो हमको उतना अच्छा नहीं लगा, उसको अगर रेट करना होगा तो 5/10 देंगे और सेव अनियन सैंडविच को 8/10 और चाय को तो 10/10 देंगे क्योंकि चाय बहुत अच्छी थी और इंटीरियर्स अंदर का बहुत अच्छा और भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है तो आके आपको पहले अंदर घुस जाना है, देन सीट एक्वायर करना पड़ेगा। ओवरऑल रिव्यू दूँ मैं तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, तो आप लोग आके एक बार ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा ब्रांड है, आप तो जानते ही होंगे। ये दोस्त मिल गए हिमांशु, हमारे साथ पढ़ता था टेरेसा में, और ये भाई भी उसका दोस्त, और वहाँ अरसलाल लोग भी आ गया है और हम लोग चाय सुट्टा बार से सब निकले हैं, तो अब यहाँ पे एक थंबनेल के लिए एक फ़ोटो लेते हैं और बस चलते हैं हम यहाँ से कहीं घूमने। तो गाइस CSB से निकलने के बाद हम लोग चले गए एक राइड पे, हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे थे अरसलाल से, तो हम लोग चले गए बाईपास एक राइड पे, वहाँ पे भी जा रहे थे एक ढाबे पे चाय पीने, तो ये हम लोग बेसिकली जा रहे हैं बाईपास के साइड और यहाँ से सीधा हम लोग ढाबे पे ही मिलते हैं आपसे। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग बैठ के बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, बहुत दिन के बाद पुरानी बातें कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और यहाँ पे एक दूसरे से मजाक हो रहा था, बातचीत हो रहा था और बहुत ही अच्छी चाय यहाँ पे मिलती है तो चाय पीने भी आए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर ही दोगे आप लोग।